राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज फागुन मास का आखिरी बुधवार मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री गणेश जी की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी बुधवार के दिन गणेश जी की इस कथा को सुनेंगे, गणेश जी उनके सभी कामों को बनाते चले जाएंगे, अर्थात उनके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। जो मनुष्य भी बुधवार के दिन गणेश जी की इस कथा को सुनेंगे, बंधुओं पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही गणेश जी की इस कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय हो। भगवान शिव ने विष्णु को षोडश उपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तब भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न होकर गजानन साक्षात प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। विष्णु जी बोले, मधु कैटब नाम असुर अति प्रबल हो गए हैं, अतएव उनके वध का उपाय कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, वैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। विष्णु जी बोले, गजानन, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था, अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करें। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गजानन ने कहा, ऐसा ही होगा रमानाथ, आपके हाथ उन असुरों का अतिशीघ्र वध होगा, इससे चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान यश की प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। वर देकर भगवान गजानन अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए तैयार देखा। त्रिलोकी नाथ को वहां आया देखकर उनकी ओर झपटते हुए वे असुर बोले, तुम बड़े डरपोक हो। विष्णु जी हंसे और उन्होंने युद्ध करके शीघ्र ही मधुकैटब का वध कर दिया। जहां उन्होंने भगवान गजानन की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, महर्षि भृगु ने सोम कांत को गणेश चरित्र का वर्णन करते हुए राजा भीम का वृतांत भी बताया। वे बोले, राजन, भीम कौंडिन्यपुर का राजा था, उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था, उसका दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था, किंतु वृद्धा अवस्था की ओर अग्रसर होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। राजा ने राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और स्वयं वन को चल दिया। वह वन में भ्रमण करता हुआ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचा तो महर्षि ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। राजा बोला, प्रभो, विदर्भ देश का राजा हूँ, कौंडिन्यपुर मेरी राजधानी है, मेरा नाम भीम है, मेरी वृद्ध अवस्था आ पहुंची, लेकिन संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई। महर्षि ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुमने भगवान गजानन का अपमान किया था, फलस्वरूप इस जन्म में निसंतान हो, यदि उन्हें प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान सुख से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। राजा ने पूर्व जन्म के वृतांत की जिज्ञासा व्यक्त की तो महर्षि विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नाम का एक अन्य प्रतापी राजा हुआ था, उसकी पत्नी सुंदर और पतिव्रता थी,
उससे राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयासों के बाद भी उस बालक की मूकता और बधिरता व विकलांगता दूर नहीं हुई। हे राजन, किसी ने राजा को परामर्श दिया कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि इसके रोग दूर हो जाएं। परामर्श अनुसार राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थाटन को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, यहाँ तक कि उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा मांगने हेतु एक गांव में गई। पीछे से उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर के स्पर्श मात्र से वह बालक निरोगी हो गया। रानी शिवालय में लौटी तो अपने पुत्र को सुंदर और निरोगी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह धर्मज्ञ ब्राह्मण गणेश जी का उपासक था। बाद में उसने रानी को भी गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गजानन की उपासना की तो प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनके उद्यम से तुम्हारे सभी अभिष्टों की पूर्ति होना संभव है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र ने भीम को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा कि वो दोनों मुद्गल के आश्रम की खोज में काफी समय तक जंगलों में भटकते रहे। तब बाद में एक दिन उन्हें वह आश्रम मिला। वहां महर्षि मुद्गल को उन्होंने अपना सब वृतांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश के एकाक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। बंधुओं, गम शब्द बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के गम शब्द का बार बार जप करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। सो बंधुओं, गणेश उत्सव के दिनों में ही गम शब्द का अधिक से अधिक उच्चारण करें। राजा भीम ने जिज्ञासा व्यक्त की, महामुने, आपके श्रीमुख से यह चरित्र सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। एक ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श कर बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से यह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? विश्वामित्र बोले, राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। सुनो, एक समय की बात है, सिंधु देश के एक पल्ली नामक गांव में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती और पुत्र का नाम बल्लाल था। एक दिन वैश्य पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहां उन लोगों ने एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सब ने मिलकर वहां एक मंडप बनाकर उत्सव मनाया। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वैश्य पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुंचे तो माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक था। वे उन्हें ढूंढते हुए उस जंगल में आए और सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा, कल्याण, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधन कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और सब बालकों को वहां से भगा दिया। महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, इससे वैश्य पुत्र बल्लाल को मानसिक पीड़ा हुई
उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया, पिताजी आप भले ही मुझे दंडित करें लेकिन उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का अपमान ना करें। वे अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करने वाले व कल्याणकारी देव हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है, देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है। कल्याण अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़ता पूर्वक बांधकर बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर लें और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की, वह उसे गाली देता हुआ चला गया। बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने पिता को शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयता पूर्वक बांधकर छोड़ दिया है, फलस्वरूप तुम बहरे गूंगे अंधे और विकलांग होगे। काफी समय व्यतीत होने व वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया। रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में चुभ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर फोड़ने लगा। वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश आपके भगत पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते ही नहीं। पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं, यदि हैं तो फिर आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा कि सामने से एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस तुम्हारी पुकार सुनते ही तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोग ग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा गूंगा विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा कि पुत्र यह तो तू बड़ा शुभ कार्य कर रहा है परंतु तेरे पिता की दशा बहुत दयनीय हो गई है, उन्हें भी चलकर देख ले। वत्स माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांति पूर्वक बैठे रहकर कहा, माता संसारिक माता पिता तो अनित्य हैं, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी की ऐसी दशा प्राप्त हुई है। उनकी सेवा करना तुम्हारा भी तो कर्तव्य है क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र अपने जन्मदाता पिता को शाप से विमुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, माता मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा बहरा विकलांग और दुर्गंध युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भगत ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। राधे राधे जय श्री कृष्णा। बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।